सिंध हाई कोर्ट ने इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की। फौरी समात की सदा पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 6 हफ्तों में तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समात की। दौरान समात दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 हफ्तों बाद दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी, आइन में नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसहाक डार को 90 लाख रुपये के मुसाफी मीरात मिलेंगी, आइन में वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के अलावा ऐसा कोई ओहदा नहीं है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफ़सार किया, क्या 6 हफ्तों बाद नायब वज़ीर आज़म की तकर्री ख़त्म हो जाएगी? फौरी दरख्वास्त की समात पर नोटिस कर दिया है, अगली तारीख पर केस का जायज़ा लेंगे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इसी नोयत की दरख्वास्तें पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी हैं।